रायपुर प्लेइंग 11 देंगे क्या यार? टाइम बहुत लेट हो रहा है और सिर्फ आपके ओवर कटेंगे, मैं पहले बताऊंगा, इसलिए माइक्रोफोन से बता रहा हूं। डेढ़ बज चुके हैं आपकी वजह से, 11 बजे से डेढ़ बज चुके हैं। फाइनल को तमाशा समझ लिए हैं आप लोग। किसी की इज्जत ख्याल कर, कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। पार्थ आओगे यार, क्यों वो टाइम लगा रहे हैं? आने के बाद टाइम ना लगाइए, टॉस करवाएं। जल्दी करिए भाई, खेल प्रारंभ हो। पूरी व्यवस्था व्यवस्थित करके रख दिए हैं आप लोग।
हेलो हेलो, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत। मैं कमेंटेटर ठाकुर हरन सिंह आप सभी आए हुए खेल प्रेमियों का हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। अमर कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 सीजन 5 का आज खिताबी मुकाबला दो बड़ी टीमों के मध्य, जिसमें आप दर्शक सादर आमंत्रित हैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हुए आयोजन को गौरवान्वित करें और खेल रहे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए मैच का लुफ्त उठाएं। जबरदस्त प्रहार होगी और उपस्थिति देते हुए आयोजन को गौरवान्वित करें और खेल रहे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए मैच का लुफ्त उठाएं। मैं आपको बॉल टू बॉल कमेंट्री के लिए यहां पर अपने साथी कमेंटेटरों के साथ यहां पर उपस्थित हूं, आपको हो रहे मुकाबलों का दीदार कराता रहूंगा। जी हां, थोड़ी देर में आपसे हम जुड़ेंगे, आप सब अपने अपने स्थानों में आकर के जुड़ जाएं। जी हां, धन्यवाद। हेलो, 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 आज का महामुकाबला सिमरिया वर्सेस रायपुर के मध्य, जिसमें दो बड़ी टीमें यहां पर खेल रही हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेल रहे हैं, खुखार गेंदबाज खेल रहे हैं, तो उनका मुकाबला देखने के लिए आप दर्शक गण सादर आमंत्रित हैं। अब से कुछ ही देर में यहां पर इस मुकाबले का शुरुआत होने वाला है। रायपुर 11 टीम के कप्तान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने अंतिम 11 का नाम यहां पर ले आकर के जमा कर दें।
लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. फर्स्ट मैच ऑफ द डे एंड लास्ट मैच ऑफ द सीजन 5 अमर कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 फाइनल मैच विल बी प्लेड बिटवीन टू टीम्स, एससीसी सिमरिया वर्सेस रॉयल रायपुर. वी हैव टू कैप्टन्स फॉर द टॉस. ड्यू टू सम टेक्निकल एरर द टॉस इज बीइंग डिलेड. I would like to inform you something about this tournament. This is the fifth season of Amar Cup cricket tournament. We have many guests arrived here. Umpires are on the ground. They are waiting for the another team. Another team is Raipur, Royal Raipur. Only few players have arrived here, and some of the players are playing cricket in another ground. So we request you to please arrive on the time, otherwise committee will take other actions against you. I would like to share some details about this tournament. 16 teams have participated here for this tournament. You can see live matches for every matches. Every match is highlighted. You can watch any matches in online Cricket Heroes live matches. We have match summary, ball by ball, and every match details are here. First match was played between Singrauli versus Bahadsagar. Singrauli team won that match by 50 runs. Second match of this tournament was played between two teams, that was Amelia and Sidhi. In that match, Sidhi team won that game by 3 wickets. Third match, Khaddi versus Burwa. Team Khaddi won that match by 83 runs. कैमरा वो वाला थोड़ा सा भी इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको लेके किसी को भेजिए तुरंत तुरंत बुलवाइए बुलवाइए. हेलो दोनों टीमें पंक्तिबद्ध हो जाएं, दोनों टीमें पंक्तिबद्ध हो जाएं. और इसे भी पहले तो देख सकते हैं आप पंक्तिबद्ध हो जाएं अविलंब दोनों टीमें. हेलो 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 माइक चेक. आप देख सकते हैं शानदार नजारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के. इस समय हम बिंद के सीधी सिमरिया से लाइव हैं आप तक.
जो मेजबानी कर रहा है अमर कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सीजन 5 के हो रहे आप देख सकते हैं अतिथियों से इसमें हमारे मंच की शोभा गर्वान्वित हो रही है और साथ में दर्शक भी धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं हूं कमेंटेटर ठाकुर हरन सिंह, अपने साथी कमेंटेटर मिस्टर आकाश तिवारी जो अंग्रेजी में आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। इसमें दोनों टीमें पंक्तिबद्ध होने के लिए बीच मैदान पर पहुंच रही है। बहुत ही शानदार नजारा देख सकते हैं पंक्तिबद्ध खड़ी टीमें एससीसी सेमरिया और उसके विपरीत दिशा में खड़ी टीम रॉयल्स रायपुर रीवा। मैं आदरणीय मंचा सिंह तमाम अतिथियों से हम अनुरोध करते हैं कमेटी की ओर से कि आप हमारे आज के कार्यक्रम फाइनल कार्यक्रम के आगाज से पूर्व तमाम खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। मंच पर मंचा सिंह आदरणीय कुमार सिंह चंदेली से अनुरोध करते हैं कि तमाम अतिथियों के साथ आप मंच की ओर रुख करें और आपके उपस्थिति के साथ आपके आगाज के साथ परिचय कुछ परंपरा पर हम तमाम लोग शरीक होंगे और इसके बाद जनगणमन में पूरा ये मैदान ये ग्राउंड जनगणमन की गूंज के साथ राष्ट्रगान की गूंज के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज जो अमर कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल सोपान पर फाइनल मैच पर पांचवे सोपान पर हम तमाम लोग उपस्थित हैं आए हुए तमाम अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं इस खूबसूरत से आयोजन पर और तमाम हमारे दर्शक इसी भी देश के सम्मान में हम तमाम साथ होंगे शरीक होंगे और सभी हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर जहां हैं जैसे हैं वहीं खड़े होकर देश का सम्मान करेंगे। राष्ट्रगान की इस प्रक्रिया पर हम तमाम दर्शक तमाम मंच पर स्थित सभी हमारे खेल प्रेमी और हमारे अतिथि तो निश्चित ही जोरदार तालियों के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज होगा। अगर राजा भैया से भी हम निवेदन करेंगे कि आप क्रीज के पास आ जाए। राजा भैया कौन कौन है वहां पे दुद्दे भैया ब्रिजेश भैया आ जाइए बबलू राष्ट्रगान की तैयारी करो यार पहले Thank you.
अनुसूदी अब परिचय प्राप्त करने की इस परंपरा के साथ हम अपने तमाम दर्शकों, तमाम अतिथियों और समस्त खिलाड़ियों के साथ हम निवेदन करते हैं कि राष्ट्रगान की इस प्रक्रिया पर शरीक हो। माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस परंपरा पर हम इस खेल का आगाज करें, शुभारंभ करें। उससे पहले हमारे अतिथि आप देख सकते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय इस फाइनल मुकाबले का अपनी बल्लेबाजी से शुभारंभ करते हुए। इस ओवर की पहली गेंद बड़ी हाई स्ट्रोक, देख सकते हैं आप ये नजाकत इस उम्र में देखने को मिल रही है उनके आतिथ्य में। ये फाइनल मुकाबले का शुभारंभ हो रहा है। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए आप उनके अभिवादन में यहाँ पर बजाएंगे। और यहाँ पर टॉस जीता है एसएससी सिमरिया टीम ने। क्या कहना चाहेंगे आकाश तिवारी जी, जिस तरीके से मैदान है और यहाँ का मिजाज है, रनों की भरमार यहाँ पर ऐसा लग रहा है पड़ी है, तभी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया यहाँ पर। देखिए ठाकुर साहब, अगर इस पिच के बारे में बताया जाए तो पिच शानदार आप देख सकते हैं चारों तरीके से, और सिमरिया जो है यहाँ की लोकल टीम है और लोकल ही सभी खिलाड़ी भी हैं, तो ये भली भांत जानते हैं कि किस तरीके से स्कोर बोर्ड चलाना है। और जिस तरीके से सिमरिया के खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, कल आप दूसरे के मैच में देखे हैं बदूद भैया, प्रिंस का बल्ला शानदार तरीके से चला है और सेंचुरी लगाए थे, तो कहीं ना कहीं अपने फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे और स्कोर बोर्ड पे अच्छा खासा लंबा लक्ष्य रखना चाहेंगे, जिस वजह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है इन्होंने। तो राहुल शुक्ला जी आप आ जाएं, अपनी प्लेइंग दे दें। राहुल शुक्ला जी इधर ऊपर, राहुल शुक्ला जी दो नंबर जैकेट।
आप अपनी प्लेइंग दे देंगे क्योंकि ऑनलाइन स्कोरिंग होगी। अमर कप क्रिकेट टूर्नामेंट सत्र 5 का आज का फाइनल मुकाबला इस सीजन का, जिसमें दो बड़ी टीमें 14 टीमों को पीछे पछाड़ करके फाइनल के महाजंग में पहुंची हैं, जिसमें यहां की एक लोकल टीम एससीसी सिमरिया, जिनके सामने होंगे रॉयल रायपुर के खिलाड़ी। टॉस के बॉस बने हैं एससीसी सिमरिया के कप्तान, और जैसे ही टॉस का सिक्का इनके पक्ष में गया है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और आखिर ले भी क्यों ना, क्योंकि कल इनके ही खिलाड़ी देवसर के मैच में, देवसर के ग्राउंड में बल्लेबाजी कर रहे थे और टॉस जीतकर पहले निर्धारित 20 ओवर में प्रिंस की शतकी पारी के बदौलत 231 रन बना दिए थे, और जीत के लिए 232 रनों का लक्ष्य रखा गया था देवसर के टीम के सामने, जिसमें 69 रनों से इनकी टीम विजयी हुई थी। उसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे सिमरिया के खिलाड़ी। हेलो, रायपुर टीम के कप्तान खिलाड़ी आप अपना प्लेइंग दे देंगे। जो खिलाड़ी आपके नए हैं आप उनका मोबाइल नंबर साथ में लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। समय 2 बज गया है, आपको पता है फाइनल मुकाबला है और प्रेजेंटेशन में भी वक्त लगता है, इसलिए आप अविलंब प्लेइंग दे दें और अपनी फील्ड सेटअप करवाएं। अमर कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 के आयोजक माननीय अंचित गौतम जी और ऋषभ पांडे जी, जिसके प्रायोजक हैं साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, प्रोपाइटर देवेंद्र मिश्रा उर्फ गुड्डू भैया, जिनके तत्वाधान में अमर कप सीजन 5 का आज फाइनल मुकाबला। एक तो स्थानीय टीम एससीसी सिमरिया, उनके सामने है रॉयल रायपुर के खिलाड़ी। कमर्शियल पार्टनर है इनके अपना बिंध ज्ञान शिक्षण एकेडमी, रजा ऑटो पार्ट्स, अमर ऑटो पार्ट्स, द फ्रेश केक, हर्ष टेंट हाउस, हम लोग मेंस वेयर, फैशन वर्ल्ड मेंस वेयर सीधी, राज टीवीएस सिमरिया, अग्रहरी साइकिल एवं बब्लू डीजे सिमरिया। फाइनल मुकाबले के 2 निर्णायक। शानदार नजारा बिंद के सीधी सेवरिया से देखने को मिल रहा है। हेलो, टॉस जीता है यहां पर एससीसी सेमरिया ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, तो आज का यह अवसर बड़ा निराला है, यहां पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार एक से बढ़कर आपको बताना चाहूंगा कि कल डीसीएल टी20 कप 2022 का हनुमानगढ़ के ऑर्नर अंकित सिंह गहरबार दादा के नेतृत्व में इसी शहर के लाडले प्रिंस सिमरिया ने तूफानी शतक लगाते हुए फाइनल मुकाबला अपनी टीम को जिताया था। क्या कहना चाहेंगे आकाश तिवारी जी?
उस पारी के बारे में। बिल्कुल ठाकुर साहब, अगर उस पारी के बारे में चर्चा किया जाए तो कहीं ना कहीं उसके पहले वाले मैच में शानदार गेंदबाजी की बदौलत प्रिंस के दम पर ही टीम इनकी फाइनल में पहुंची थी। और कल जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया गया था कप्तान अतुल सिंह परिहार के द्वारा, उसमें खड़े उतरे थे यहाँ के लाल कहे जा सकते हैं प्रिंस। अपनी पारी में शतकीय साझेदारी की इन्होंने, 108 रन बनाए, शतकीय साझेदारी भी हुई थी। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, इनका व्यक्तिगत स्कोर जरूर 108 रन का था लेकिन साझेदारी भी जो इनके साथ की गई थी वो भी शतकीय थी। कहीं ना कहीं कल एक इतिहास रच दिया गया था देवसर के फाइनल मुकाबले में। फिलहाल ऐसा कारनामा अभी तक हुआ नहीं था लेकिन शानदार बल्लेबाजी हुई थी कल प्रिंस की तरफ से। बिल्कुल, आज उनके जो सपोर्टर हैं वो आज यहाँ पर कयास लगा रहे होंगे कि आज वैसी पारी फिर से उनके बल्ले से देखने को मिले। बहरहाल देख सकते हैं आप, अमर कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का फाइनल मुकाबला इस समय आपके मेन स्क्रीन पर, इस मुकाबले का सीधा प्रसारण इस समय दर्शक अपने घरों से भी देख रहे हैं। हम अपने ब्रॉडकास्टर से जरूर जानना चाहेंगे कितने व्यूवर इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं और इस आयोजन को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमारे आयोजक सम्मानीय अंचित गौतम एवं ऋषभ पांडे जी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने, एक शहर छोटा है लेकिन उनके इरादे बहुत ही बड़े हैं। देख सकते हैं आप, टोटल 16 टीमों ने यहाँ पर शिरकत किया आज उसका खिताबी मुकाबला, और इस टूर्नामेंट के प्रायोजक रहे हैं जिन्होंने अपना अहम रोल निभाया इस टूर्नामेंट को खूबसूरत माहौल देने में। साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा जिसके प्रोवाइडर हैं जाने माने शख्सियत देवेंद्र मिश्रा गुड्डू भैया, ऐसे शख्सियत किसी भी आयोजन से अगर जुड़ते हैं तो फिर वो आयोजन लगभग जुड़ते ही सफल हो जाता है। हमारे कमर्शियल पार्टनर इस तरीके से इस टूर्नामेंट को सही रूपरेखा देने में, हमारे पहले कमर्शियल पार्टनर है अपना विंध्य जान शिक्षण एकेडमी, रजा ऑटो पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स अमर, द फ्रेश ब्रेक केक, हर्ष टेंट हाउस, हम लोग मेंस वेयर, फैशन वर्ल्ड मेंस वेयर सीधी, राज टीवी एस सेमरिया, अग्रहरी साइकिल एंड बबलू डीजे सेमरिया, ये हमारे सहयोगी रहे हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आज देख सकते हैं सीजन 5 के फाइनल तक ले आने में अपनी अहम रोल निभाई है। आज के हमारे एम्पायर हैं, मैं आपको नाम अवगत कराना चाहूँगा, मिस्टर बदूद अहमद एवं मिस्टर विनोद सिंह आज के हमारे स्कोरर हैं जो ऑफलाइन स्कोरिंग का जिम्मा निभा रहे हैं, मिस्टर सुमित गुप्ता जी, और ऑनलाइन आप जो अपने मोबाइल पे स्कोर देख पा रहे हैं उसके स्कोरर हैं मिस्टर वीरेश राठौर, हमारे साथी कमेंटेटर आकाश तिवारी जी विंध्य के जाने माने कमेंटेटर अंग्रेजी के देख सकते हैं हमसे जुड़ चुके हैं, मैं हूँ कमेंटेटर ठाकुर हरन सिंह। आज के हमारे ब्रॉडकास्टर टीम इस तरीके से है, अगर बात करें ब्रॉडकास्टर तो हमारे MJ फोटोग्राफी सिद्धि, उनके सदस्य इस तरीके से हैं मनोज, कृष्णा और सत्यम। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मजा आने वाला है, आप दर्शकगण सादर आमंत्रित हैं आकर के अपने स्थानों को ग्रहण करें और इस फाइनल मुकाबले का आनंद उठाएं। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो मैं अपने साउंड मास्टर से जरूर गुजारिश करूंगा, आप IPL सॉन्ग तब तक बजा सकते हैं। अंचित, अंचित,
हेलो 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 जल्दी आज का फाइनल मुकाबला यहां पे चालू होने वाला है। एक बार फिर से आकाशवाणी पे समय पर मुकाबले जारी हो रहे हैं। 92.5 FM सुनो सुना लाइव बनाओ। ये सिमरिया का क्रिकेट विरूप पकड़े कैसे तो झकास छोड़े कैसे सत्यानाश दना दन क्रिकेट पैक। इस समय पर आकाशवाणी पर मुकाबले जारी हो रहे हैं। एक बार फाइनल मुकाबला जल्द ही आपके बीच होने जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक आयोजन इंद की ये पावन धरा सीधी सेमरिया से हम आप तक लाइव हैं, जो मेजबानी कर रहा है अमर कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 खो रहे मुकाबलों का सीजन 5 का यह फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। और देख सकते हैं आप इस समय रॉयल्स रायपुर की टीम बीच मैदान पर पहुंचती हुई और थोड़ी देर में ही मुकाबला शुरू हो जाएगा। हमसे जुड़ चुके हैं देख सकते हैं हमारे जाने माने कमेंटेटर बिंद के सुदीप मिश्रा सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या यहां से रणनीति रहेगी? टॉस जीता है यहां पर एसीसी सेमरिया ने, कितने रनों तक जाना चाहेंगे आपके लहजे से, कितने रन यहां से पर्याप्त कह सकते हैं? जरूर 150 के ऊपर अगर 20-20 मुकाबला हो रहा है, 20 ओवर के खेल हो रहे हैं तो 150 से ऊपर यहां पर सेमरिया को बनाना होगा। छोटा ग्राउंड है, जिस तरीके का बड़े शॉट लगते हैं काफी बड़ा रन बनता है, विकेट भी यहाँ पर काफी बढ़िया खेल रहा है, जिससे काफी अभी तक के स्कोर बने हैं यहाँ पे 200 पार स्कोर बन चुके हैं इस विकेट पे, तो जरूर यहाँ से 150 तो पार ही बनाना होगा सिमरिया को। बिल्कुल 150 प्लस अच्छा स्कोर होता है खासकर फाइनल मुकाबले में, तो बिल्कुल यहाँ से उनकी ये मंशा होनी चाहिए। बिल्कुल अगर यहाँ तक पहुंचते हैं तो फिर वो अपने सपोर्टरों को एक अच्छी सौगात दे सकते हैं। बहरहाल दर्शक दीर्घा अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं इस खिताबी मुकाबले का दीदार करने के लिए। देख सकते हैं आप अमर कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 5 के चमचमाती ट्रॉफी, कई आकर्षक पुरस्कार हमारे अतिथि मंच की दाहिनी तरफ देखे जा सकते हैं और मैदान के चारों तरफ स्पॉन्सर बोर्ड मैदान की खूबसूरती को और ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैदान के चारों तरफ रंग बिरंगे तिरंगे भारतीय संस्कृति की एक अनूठी पेशकश को भी यहां पर दिखा रहे हैं। और आपने देखा हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं हमारे समस्त अतिथियों की अगुवाई में दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने के बाद देश के सम्मान में राष्ट्रगान यहाँ पर प्रस्तुति देखने को मिली। बहरहाल थोड़ा जरूर विलंब हो रहा है मुकाबले में, शायद रॉयल्स रायपुर के खिलाड़ी थोड़ी दूरी में है ग्राउंड से, उम्मीद करते हैं वो जल्द जुड़ेंगे हमसे और एक अच्छा फाइनल मुकाबला जो दर्शक सुबह से अपने घरों से अपने काम को सही समय पर पूर्ण करके यहां से जुड़े हैं वो जरूर यहां से एक अच्छा फाइनल मुकाबला देख करके जाएंगे। हमारे साथ आकाश तिवारी जी भी जुड़े हैं, जो आपको हमारे साथ आंखों देखा हाल हो रहे मुकाबलों में अपने अंग्रेजी कमेंट्री से सुनाते रहेंगे। बहरहाल जैसे मुकाबला शुरू होता है हम सभी आपसे जुड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए अपनी कमेंट्री को वापस ले चलते हैं, आप सब अपने अपने स्थानों में तब तक आ जाएं। धन्यवाद पार्थ, अविलंब करें यार फील्ड से जाएं, पार्थ फील्ड से जाइए। ओवर कट रहे हैं पार्थ, फील्ड से जाइए जल्दी से।
पार्थ पार्थ जल्दी आइए अंदर भाई। हमारे आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। कमरे की चाबी आपके पास है तो आकर के हमारे साउंड मास्टर से संपर्क करें आप। पार्थ जल्दी करिए।
हेलो
नमस्कार, आप सभी का स्वागत। तो जिस घड़ी का शिद्दत से हम सभी को इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। जी हाँ, इस समय फील्ड की सजावट करते हुए रॉयल्स रायपुर टीम के कप्तान, उनके सामने दो अपने बल्लेबाज समय बीच मैदान पर पहुंच रहे हैं, हरीश पांडे, और उनका साथ निभाने के लिए देख सकते हैं यहाँ के लोकल बॉय प्रिंस मिश्रा। कल के शतकवीर, कमाल की बल्लेबाजी कल की थी इन्होंने। और पहला ओवर देखना है कौन सी गेंदबाज रायपुर रॉयल्स की तरफ से लेकर के आते हैं। पांडू आए हैं उनके साथ, विकेट कीपर के साथ एक स्लिप, एक गली पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर, मेड ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, यह है फील्ड की सजावट। एम्पायर तैयार, बल्लेबाज तैयार, और हमारे स्कोरर भी हैं अब तैयार। मुकाबले की पहली गेंद पांडू एम्पायर के बगल से निकलते हुए, और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, पंद्रह पंद्रह ओवरों का ये मुकाबला। पारी की पहली ही गेंद हरीश पांडे ने शानदार झंडाटेदार मैक्सिमम यहां पर लगाया, खाता खुला यहां पर छह रनों की सहायता से। एक बार फिर से पांडू पैर के बगल से करते हुए, एक बार फिर से खूब हरीश पांडे, आपको इनके बारे में अगर जानकारी दें हम तो, ये पुलिस सेना के सिपाही हैं और क्रिकेट में इनका अच्छा धौंस चलता है, ये घातक किस्म के ओपनर बल्लेबाज हैं। आपको बताना चाहूंगा अपना विंध्य चैनल में इस मुकाबले का सीधा लाइव कास्ट प्रसारण चलता हुआ। अगर आप ये मुकाबला अपने किसी सगे संबंधी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर करें और घर बैठे मुकाबले का लुत्फ उठाएं। पांडू एक बार फिर से एम्पायर के बगल से करते हुए, सामने हरीश पांडे, इस बार अच्छी गेंद तो नहीं कह सकते लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। आज देखिए दायरे के अंदर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो कहीं ना कहीं पहले ओवर में सधी शुरुआत देखने को मिल रही है इस समय बल्लेबाज हरीश पांडे के बल्ले से। इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज का कर, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो हम आपको नजर नहीं आते। हरीश पांडे, घातक किस्म की बल्लेबाजी शुरू कर दी है पहले ही ओवर में। एक बार फिर से दबा दबा नहीं मिल पाएंगे, स्कोर अभी भी रुका हुआ। एक ओवर की समाप्ति पर एसएससी सेमरिया टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बगैर किसी नुकसान के।
हमारे बीच देख सकते हैं आप जिला पंचायत सदस्य शमारिया सरस्वती महलिया दीदी इस समय मंच पर विराजमान है और हरीश पांडे के उस छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार उन्होंने दिया था। वाकई में दिलवाली शख्सियत देख सकते हैं हमारे मंच पर जुड़ रहे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन। अद्दू भैया बॉलर नेम सचिन पांडे गेंदबाजी के रन पर इस समय तैयारी करते हुए अपने पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए और उनके सामने है यहाँ के लोकल बॉय प्रिंस सेमरिया। उनके लिए फील्ड की सजावट विकेट कीपर के साथ एक स्लिप पॉइंट कवर मेट ऑफ। अच्छी गेंद इस बार पारी की पहली गेंद फेस कर रहे थे अच्छे से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई वहीं पर गेंद लुढ़क के रह गई स्लिप से निकले फील्डर गेंद को फील किया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और इस बार और इस 4 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ एसएससी सिमरिया का 18 रनों पर पहुंचा है और देख सकते हैं दादा अतुल सिंह परिहार जुड़ चुके हैं बिंद के शानदार कप्तान भी है और अगर कोई प्रिंस सिमरिया को आउट करता है तो उस गेंदबाज को 200 रुपए का पुरस्कार इनकी तरफ से रखा गया है। अब प्रिंस सिमरिया क्या आज बड़ी पारी यहां पर बल्ले से दिखा पाएंगे एक बार फिर से गेंदबाज क्या कहने और दादा अतुल सिंह परिहार की तरफ से इस छक्के पे 100 रुपए का पुरस्कार आया है प्रिंस मिश्रा प्रिंस सेमरिया के नाम। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रनों पर तो कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी ऊपर गेंद कर दी थी रडार में आई थी गेंद और बढ़िया प्रहार था इस बीच अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे गति से चकमा खाए कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं अपना विंध्य चैनल पे चलता हुआ फाइनल मुकाबला अमर कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक गेंद को मोड़ दिया है लेकिन अच्छी फील्डिंग दायरे पे खड़े फील्डर एस्टा कपड़ के क्षेत्र में गेंद को रोका तब तक दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेजी से भागते हुए दूसरा रन यहां पर मुकम्मल कर लिया और ओवर थ्रो के रूप में यहां पर एक रन और मिलता हुआ तो 3 रन इन 3 रनों की सहायता से स्कोर पहुंच गए हैं एसएससी सेमरिया के अब 27 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। शानदार नजारा इस समय बिंद के सीधी सेमरिया से देखने को मिल रहा है। पारी का यह दूसरा ओवर फेंका जा रहा है फाइनल मुकाबला रॉयल रायपुर शिवनाब एसएससी सेमरिया के बीच खेला जा रहा है पॉइंट कवर एस्टा कवर मेड ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डर हैं और एक खिलाड़ी देख सकते हैं आप बिल्कुल भेजे जा रहे हैं बॉडी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर आप उसे एस्टा कवर बाउंड्री भी कह सकते हैं। इस बीच इस ओवर का क्रिकेट अच्छी गेंद यहां पर स्विच हिट करना चाहते थे कामयाब हुए नहीं इसी के साथ पारी का दूसरा ओवर समाप्त 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है एसएससी सेमरिया का 27 रन बगैर किसी नुकसान के। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक खूबसूरत शख्सियत और हमारे साथी कमेंटेटर सुदीप मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे 2 ओवर 27 रन। धन्यवाद। 2 ओवर के खेल मुकम्मल हुए हैं 2 ओवर के खेल की समाप्ति पर 27 रन बनाए गए हैं दोनों ही बल्लेबाज काफी लय में नजर आते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम चाहे प्रिंस मिश्रा की करें चाहे
पांडे की दोनों ही काफी अच्छे बल्लेबाज है। तीसरे ओवर का खेल प्रगत पर चलेगा। दो ओवर के खेल मुकम्मल हुए हैं। दो ओवर के खेल की समाप्ति पर 27 रन स्कोरबोर्ड पे स्कोरों की संख्या हो गई है। एक बार फिर से बॉल करने के लिए गए, यहां पर खेला जरूर है, जब तक बॉल को फील्ड करके वापस किया गया। रन के लिए नहीं, कोई भी रन नहीं आए हैं। तीसरे ओवर का खेल खेला जा रहा है। प्रिंस और हरीश की जोड़ी इस समय पर ग्राउंड पर है और प्रिंस के लिए इनामी राशियां आनी चालू हो गई हैं। काफी इनामी राशियां लगा दी गई हैं। यहां पर फिर से काफी जबरदस्त तरीके से खेला, बॉल बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए गोइंग 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 जबरदस्त तरीके से। बिगड़ी हुई तकदीर से तकदीर बना ले अपने पे भर। प्रिंस मिश्रा हाल ही में कल उन्होंने शतकीय पारी खेली है। ये देखिए रेड विकेट के ऊपर से बॉल को सीधा खेला बाउंड्री के बाहर छोड़ने के लिए। सौ रुपए के प्रति छक्के पे 100 रुपए लगा दिए गए हैं। प्रिंस के जितने भी सिक्सर लगाए प्रिंस मिश्रा 100 रुपए पाए। ये फिर से खेला जरूर, स्कोरबोर्ड पे स्कोरों की संख्या 41 बना ली गई है। प्रिंस काफी लय में नजर आते हुए हाल ही में उन्होंने शतकीय पारी खेली है, नाबाद शतकीय 107 रनों की पारी खेली थी अपने टीम के लिए कल, उसके आगे आज रन बनाना चालू कर दिए हैं। देखते हैं दोहरा शतक लगा पाएंगे कि नहीं। जबरदस्त मुकाबला यहां पर जारी है। एक बार फिर से प्रिंस मिश्रा बैटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पांडू को सामना करेंगे, पांडू हैं यहां पे बॉलर, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज प्रिंस। बढ़िया क्रिकेट, गजब के क्रिकेट टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण आप लाइव देख सकते हैं अपना विंध चैनल पे। और फिर से पांडू बॉल करने के लिए राइट ओवर गए वहां पे, हल्के हाथों खेला जरूर रन के लिए, भागे खिलाड़ी दौड़ कर एक और रन पूरा किया। एक और रन के चलते स्कोर बोर्ड पर इजाफा, स्कोर को ले जा पहुंचाया है 42 बिना किसी नुकसान के। 42 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पे स्कोरों की संख्या बना ली गई है बिना किसी नुकसान के। प्रिंस और हरीश की जोड़ी इस समय पर ग्राउंड पर है। क्रिकेट रमा तसरा के प्रायोजन साक्षी शिक्षण संस्थान साक्षी कॉलेज बढ़ौरा इस क्रिकेट के रमा तसरा के प्रायोजक है। फिर से खेला जरूर है, वहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पे मिस फील्ड हुआ है और एक रन आएंगे इसी एक रन के जरिए। तीन ओवर के खेल की समाप्ति हुई है। तीन ओवर के खेल की समाप्ति पर 44 बिना किसी नुकसान के इस समय पर सिमरिया टीम के स्कोर बोर्ड पे स्कोरों की संख्या बना ली गई है। इस टूर्नामेंट के सह प्रायोजक हैं हम लोग वेंसवेयर, राजा ऑटो पार्ट्स, अमर ऑटो पार्ट्स, द फ्रेश टेक, हर्ष टेंट हाउस, हम लोग मेंसवेयर, फैशन वर्ल्ड मेंसवेयर सीधी, राज टीवी सिमरिया, अग्रहरी साइकिल स्टोर। इस टूर्नामेंट के सह प्रायोजक हैं और प्रायोजक साक्षी शिक्षण संस्थान, और इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण सीधा प्रसारण आप
अपना बिंद इस चैनल पे देख सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं अपने घर बैठे ही। और यहाँ जो भी देख रहे हैं अपने अपने दोस्त को, मित्र को दिखाना चाहते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे इसको। और दोनों ही आज के हमारे निर्णायक एम्पायरिंग जो कर रहे हैं, वदूद अहमद जी अद्दू भैया और विनोद सिंह लाला, इस समय पर दोनों ही हमारे एम्पायर एक बार फिर से बॉल करने के लिए बॉलर तैयार हो रहे हैं। विकेट पे बॉल की प्रिंस के लिए, यहाँ पे कट किया है, रन के लिए भागे हैं खिलाड़ी दौड़ कर, यहाँ फिर मिस फील्ड कर दी गई है। देखते हैं दूसरे रन के लिए पलटे हैं खिलाड़ी, जहां से हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरीके की स्थितियां रही और इसी तरीके के रन बनते रहे तो रायपुर के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। और ये प्रिंस फिर से खेला जरूर है, फील्डर से काफी दूर, एक ही रन में बल्लेबाजों को संतोष कर रहा है। बना ली गई है चौथे ओवर का खेल प्रगत पर चलता हुआ, चौथे ओवर के खेल खेले जा रहे हैं। एक बार फिर से बॉल करने के लिए बॉलर तैयार हो रहे हैं, विकेट पे बॉल के फिर से खेल दिया गया है, फाइन लेग एरिया में बॉल बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए हरीश के बल्ले से यह बाउंड्री आती हुई। दोनों ही बल्लेबाज काफी लय में नजर आते हुए, काफी बड़े स्कोर तक लगता है अगर इसी तरीके के रन बनते रहे तो 200 के पार हमें लग रहा है कि स्कोर जाएंगे। 20 रनों के निजी स्कोर पर इस समय पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हरीश। एक बार फिर से हरीश के लिए बॉल करने के लिए बॉलर तैयार हो रहे हैं अमन सिंह, और ये खेल दिया है। पचपन हो गए हैं आपसे रन टोटल, चौथे ओवर का खेल प्रगत पर चलता हुआ, 22 बॉलें हुई हैं अभी तक की। फिर से अब रुकने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं, फिर से भेज दिया है। मीटर पर ये सिक्सर लगाया गया है, दोनों ही काफी लय में नजर आते हुए बल्लेबाज, धीरे धीरे मुसीबत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत यहाँ पर रायपुर के लिए हो जाएगी अगर इसी तरीके से स्कोर बनते गए, आपको बाद में चेंज करने हैं रन तो एक बड़ी मुसीबत दिखती हुई जरूर। यहाँ से विकेट की तलाश होगी बॉलरों को, हरीश को फिर से सरस्वती वहेलिया जी के द्वारा 100 रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, खेलना चाहते थे लेकिन भी, और सरस्वती वहेलिया जी से 200 रुपए प्राप्त कर चुके हैं हरीश, प्रति छक्के में उनके 100 रुपए अभी तक के दिए जा रहे हैं। काफी बढ़िया मुकाबला यहाँ पर, एक चार ओवर के खेल मुकम्मल हुए, चार विकेट के नुकसान। शानदार मुकाबला इसमें बॉल और गेंद के, बॉल और बल्ले के बीच में देखने को मिल रहा है। अमन कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 का यह सीजन 5 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है SSC सेमरिया बनाम रॉयल्स रायपुर के मध्य। और SSC सेमरिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर 61 रन बगैर किसी नुकसान के बना लिए हैं। दोनों बल्लेबाज 30-30 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सबसे रोचक जानकारी यह है कि 12-12 गेंदें दोनों बल्लेबाजों ने खेली हैं। बात करें, 4 चौके अपनी पारी में लगाए हैं हरीश पांडे ने, और
और एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ, चार ओवर 61 रन बगैर किसी नुकसान के। पारी का पांचवा ओवर, अब देखना है कौन से गेंदबाज से करवाते हैं कप्तान रॉयल्स रायपुर। दूर दूर तक अच्छी खासी उपस्थिति दर्शकों की देख सकते हैं आप, और दर्शकों से गुजारिश है जो छोटे में बैठे हैं मुकाबला देख रहे हैं, आप अपने संतुलन को बना करके मुकाबला देखें, पांव को हो सके तो ऊपर करके बैठ जाएं। शानदार नजारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के बिंद सीधी सिमरिया से देखने को मिल रहा है। गेंदबाजी में बदलाव हुआ है, फर्थ को लेकर के आए हैं, उनके सामने है बल्लेबाज प्रिंस सिमरिया। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, और एक खिलाड़ी देख सकते हैं आप इस कॉलेज बाउंड्री लाइन पर भेजा गया है, और एक खिलाड़ी अब भेज दिया गया है स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर। पांचवें ओवर की पहली गेंद, सामने है प्रिंस सिमरिया। बल्लेबाज स्कोर 67 रनों पर पहुंचे हैं इस ओवर की अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन